इट इज द नेचर्स कंट्रोल, हवा पानी खाना पीना जो भी है. बट मैन मेड इज क्रिएटेड. कार इज मेड बाय अ ह्यूमन, मशीन इज मेड बाय ह्यूमन, बट इट इज गोइंग टू गेट ऑपरेटेड बाय ह्यूमन ओनली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं तो हमेशा, मेरा बच्चा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बोलता रहता है तो आई ऑलवेज टेलिंग एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट एआई मीन्स एक्चुअली एक्शन ऑल्सो, एक्चुअल इंटेलिजेंस ऑल्सो. जब तक ह्यूमन उसको ऑपरेट नहीं करेगा, डू यू थिंक द एआई विल वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल वर्क? इट वॉन्ट वर्क. इफ यू हैव अ सैटेलाइट एयरपोर्ट ऑल्सो, बट दैट सैटेलाइट एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन इज अ मेन थिंग. ह्यूमन रिसोर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. अगर वो बराबर है तो वी कैन ऑपरेट एनी मशीन, वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द मैनमेड रिसोर्सेज ऑल्सो. और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, वेरी कॉम्पिटिटिव. नेक्स्ट, माहिम की खाड़ी, क्रिक, माहिम क्रिक, सब लोग जानते हैं माहिम क्रिक, या यू हर्ड? दादर से बांद्रा किसी ट्रैवल किया? अब कितने लोगों ने दादर से बांद्रा ट्रैवल किया? एवरीवन हैज ट्रैवल, या 1945 जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, दैट टाइम टू पर्सन रियलाइज, जमशेद जी टाटा एंड नाना शंकर शेख फ्रॉम गिरगांव, दे रियलाइज आजादी तो मिल जाएगी पर जिस मुंबई से हम पूरा देश कंट्रोल कर रहे हैं उसको कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है. तो उन्होंने क्या किया, खुद के पैसे से, दैट टाइम 1945 में खुद के पैसे से, एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट है जमशेद जी टाटा एंड ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन बट ही वॉज अ सोशल वर्कर ऑल्सो, दोनों अलग लोग एक साथ आए एक ही विजन पे कि अगर मुंबई को हम कनेक्ट कर दें तो यातायात, द ट्रांसपोर्ट विल बिकम वेरी इजी एंड इट विल बी मोर ब्यूटीफुल, कि हम आजादी को अच्छे से प्रमोट कर सके. और अंग्रेजों ने सिर्फ एक आइलैंड पे बैठ के पूरे भारतवर्ष पे कंट्रोल किया था और वो कनेक्ट करना बहुत जरूरी था. 1945 में जब सब लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, दीज आर द विजनरी, ये इतना दृष्टि रखते थे, उन्होंने ये जो खाड़ी है दैट क्रिक, माहिम क्रिक को कनेक्ट किया खुद के पैसे लगा के, 3 लाख रुपीज दैट टाइम 1945 में, एक विजन के हिसाब से. नहीं तो दादर से बांद्रा के जो बीच का खाड़ी है वो मछुआरे के नाव से हमको क्रॉस करना पड़ता था. उसका फर्क ऐसे हुआ कि when we actually got the freedom, we really prospered because of that creek connection. एक छोटा सा जो गैप था मुंबई का वो भर लिया. और ये भरने का विजन इज ओनली पॉसिबल विद द ग्रेट विजनरी. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी. आज हमको इजी लग रहा है बट 1945 में जब आजादी तक नहीं थी तब ये बड़ा दृष्टिकोण रखने का विचार ये दोनों लोगों ने रखा. और कोरोना के टाइम में ये विजन जो 30 साल पहले एक विजनरी ने रखा था वो है डॉक्टर लिम सियो जी. तब हम लोगों को कहते थे प्रिवेंशन के लिए काम करो, इम्यूनिटी के लिए काम करो, इम्यूनिटी के लिए, कोई सुनता नहीं था. जब मैं बोईसर में, पालघर में जाती थी, विरार में मीटिंग करती थी, दादर में, लोग हंसते थे, बोलते थे सिर्फ 3% लोग प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे, 97% तो एंजॉय कर रहे. लेकिन आज की कंडीशन है 100% लोग, कितने लोग प्रिवेंशन के लिए काम करना चाहते हैं, इम्यूनिटी के लिए? कोरोना ने हिला दिया ना, एवरीवन इज रेडी. इम्यूनिटी प्रिवेंशन के लिए तो नहीं, केईएमआई है ना अपना, जसलो का है, ब्रिज कैम भी है, ऑल हॉस्पिटल्स, या दे आर रिक्वायर्ड. लेकिन इमरजेंसी नहीं आई, और इमरजेंसी आई फिर भी अच्छे से टल जाए, इसके लिए इस दृष्टा ने, ग्रेट विजनर ने काम किया. वो दृष्टा आज क्या प्लेटफॉर्म रखा है, एक प्रोफाइल हम देखेंगे. किसी भी चीज को हम सिलेक्ट करते वक्त प्रोफाइल देखते, बच्चे का स्कूल का एडमिशन लेना है फिर भी हम ढूंढते अच्छी स्कूल है क्या,
अच्छे से पढ़ाते हैं क्या. सो वी चेक द प्रोफाइल, द स्टेटस ऑफ दैट स्कूल, द इंस्टीट्यूट इन द सोसाइटी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल बिहाइंड, प्रिंसिपल अच्छे है ना, फैकल्टी अच्छी है ना, अच्छे से पढ़ाते हैं ना, जो सराउंडिंग एडमिन वर्क है. बिकॉज वी आर वेरी कॉशियस जहां पे हम हमारा बच्चा भिजवाने वाले हैं, जहां पे हम हमारी बेटी भिजवाने वाले हैं, वो खानदान अच्छा है कि नहीं. दैट सराउंडिंग, दैट एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम देखते हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, मतलब वो आज के लिए चलेगा कि कल के लिए. बहुत सारे लोग आज जानते हैं कि आईटी इंडस्ट्री बूम में है, कंप्यूटर साइंस बूम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम में, लेकिन कितना साल चलेगी. चेंज ऑल्सो हैज अ चेंज. तो वो कितने साल तक हम अपने बच्चे को उधर डाल सकते, उसका फ्यूचर के लिए वी डू ऑल द स्टडी ऑफ दैट, द प्लान. उतना डोनेशन दे सकते कि नहीं, उतना पैसा वो शादी के लिए खर्च कर सकते कि नहीं, क्या लाइफस्टाइल दे सकते. दैट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लागत लगनी है या तो लागत आनी है, वो प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सिस्टम, सिस्टम यानी एक बार चप्पू चला दो, एक्टिवेट कर दो, फिर उसके बाद वो अपने से चले. दैट इज कॉल्ड सिस्टम. मधाच पोळं पाहिलं सगळ्यांनी, साधी माशी, सिंपल जो मक्खी रहती है, कहीं भी बैठ जाती है. अच्छी लगती है आपको? घर पे आते तो हम भगा देते, लेकिन रानी मक्खी आती है, मधुमक्खी आती है, आप भगाते हो? थोड़ा डर के भगाते हो. उसका वो सिस्टम रेडी है. वो जो मधा से पोहरा, वो जहानी बी रहती है और वो हनी हाइव रहता है, बी हाइव रहता है, तो वहां का उसका सिस्टम रेडी है. वो खुद के लिए काम करती है, अपने बच्चे के लिए काम करती है, और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी वो क्या शहद छोड़ के जाती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट द सिस्टम वेयर यू आर वर्किंग. वो सिस्टम आज कल अपने लिए और अपनों के लिए, सबके लिए वो सिस्टम चलनी चाहिए. एक बार बिछा दो, वो बार बार आपके लिए काम करती है. सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेक्स एंड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड विच हैज गिवन अस अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म इवन इन कोरोना. जब लोग जॉब गवा रहे थे, बिजनेस वर इन द टास्क, दैट टाइम डीएक्सएन ने हमको एक बढ़िया सा, एक सस्टेनेबल, रिटेनेबल, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म जो पहले से दिया था, वो कंटिन्यू किया. कंपनी लगभग 29 सालों से, 29 ईयर से आज वर्ल्ड वाइड है और अच्छे से काम कर रही है आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए और आपके हैप्पीनेस के लिए. केवल फैमिली के लिए नहीं, तो आपको समाज में भी एक स्टेटस देने के लिए वो हमेशा काम करती रही. और ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपके साथ एक अकेला आदमी भी चला, लाइक बहुत सारे आपके वेल विशर्स नहीं है, सिर्फ एक भी वेल विशर है, तो वहां से भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी, एक इनकम आपको आता रहेगा. ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं दिखाई देगी कि अगर एक भी वेल विशर आपके पास है तो वन लेग आपको इनकम आएगा. आरबीसी ऐसा सिस्टम है, इफ यू टू कितने लोग हैं आरबीसी देखते हैं, अ पार्ट ऑफ आरबीसी. यहां पे एक अच्छे वक्ता आते हैं, एक अच्छे लोग जो अनुभव ले चुके हैं डीएक्सएन का, हेल्थ का जो अनुभव ले चुके हैं, वो यहां पे गाइड करने को आते हैं. और ये आरबीसी ऐसे सिस्टम है जहां पे आपको सब सर्वे, मतलब इवन यू विल गेट अ डॉक्टर्स, यू विल गेट एडवोकेट्स, यू विल गेट 10th fail, you will get even uneducated person with a good profile. एक अच्छे स्तर पर अपना इनकम ले जाने वाले भी लोग हैं. You will find कि 2 लाख महीना कमाने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, 20,000 कमाने वाले भी मिलेंगे, 50 लाख भी कमाने वाले वहां पे आपको वही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. आप कितना कमाना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस. क्योंकि खुद का निर्णय हम खुद लेंगे, कोई और नहीं ले सकता. तालियां होनी चाहिए डॉक्टर. जो 30 साल पहले इन्होंने विजन देखा था कि अगर हमने ये प्रिवेंशन की, वेलनेस की जो क्रिक है, जो खाड़ी है, वो कनेक्ट कर दे, तो पूरा वर्ल्ड क्या होगा, आपके हाथ में हेल्दी वर्ल्ड मिलेगा. नेक्स्ट, व्हाई डीएक्सएन, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डीएक्सएन. इट्स वेरी नेचुरल
एकदम प्योर नेचर से मिला हुआ चीज है, जन्मे हुए बच्चे को भी आप दे सकते हो, सेफ विदाउट साइड इफेक्ट, दैट्स द मेन थिंग। कोई भी चीज आप मार्केट से उठाते हो तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक लगभग लास्ट वीक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें लिखा था अगर इन्फंट मतलब जन्मा हुआ बच्चा 2 साल का, दैट्स कॉल्ड इन्फंट, उसको एक बार भी एंटीबायोटिक दिया गया, लिसन टू मी केयरफुली, एक बार भी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वन टाइम यू आर स्पॉइलिंग हिज डाइजेशन सिस्टम, वन टाइम। और हम कितने बार उसको एंटीबायोटिक्स पिलाते हैं, कितने बार पिलाते हैं, बुखार हुआ पिला दो, ये हुआ पिला दो, वन टाइम यू गिव इट, यू आर कोलैप्सिंग हिज एंटायर डाइजेशन, उसकी पाचन संस्था को ही आप डिस्टर्ब कर देते हो। Isn't this safe? Beautiful? Yeah, worldwide. Quality maintain की है, economical है, safe है, side effect नहीं है, और सबसे ज्यादा important हम हमारे आने वाले शिशु को भी ये अच्छे से दे सकते हैं। Pregnant ladies also can consume that, और जो अपने बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं। The 3 stages what lady goes, it is like before her स्त्रीत्व आने से पहले, स्त्रीत्व है और स्त्रीत्व जाने के बाद, लाइक विद मेनोपॉज आल्सो, ये चीजें बहुत मायने रखती है एंड रियली वर्क्स एंड हेल्प्स फॉर दैट। ह्यूमन बॉडी क्या है? एक मशीन ही है,